हेलो भाई, मैं पवार। हमें शिमला की वादियों में, ये आप देखेंगे, आपने इसके व्लॉग्स वगैरह भी देखे हैं, यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा है। तो ऐसा ऐसे एरिया में ना सबसे मेन चीज़ होती है आपकी सनरूफ। सनरूफ में से आप निकलोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ऐसी जगह पे आपकी साथ देती है भाई हिंडी ग्रेटर 2020, जिसमें 70 लाख अगर आप स्पेंड करते हो ऑन रोड तो आपको मिलती है पैनोरामिक सनरूफ। अभी हिंडी ग्रेटर उसको 6 महीने हुए हैं और अभी से इसकी जो सनरूफ है उसका क्या स्टेटस है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिससे अगर आप भी एक इंडिकेटर खरीदने वाले हैं और आप भी चाहते हैं अपना पैनोरामिक सनरूफ पाना तो आपको क्या मुसीबतें फेस करनी पड़ सकती हैं विद इन 6 मंथ्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, इंजन हमने ऑन करा तो ये इग्निशन ऑन करना पड़ता है तब अपनी सनरूफ जो वर्क करती है। अभी तो ढंग से खुली हुई है, अभी देखना यहाँ से हम इसको बंद करेंगे। इसकी स्पीड देखिए, ब्लाइंड फोल्ड इससे जल्दी आ जाएगा। देखिए तो अभी रुकने दो, देखो बंद, देखो अपने आप पीछे चली गई है। अभी इसके साथ कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं हुई है भाई, 6 मंथ्स के अंदर नेचुरली इसका ये हाल हो गया है। अभी पीछे जा रही है, अभी जैसे आगे करेंगे देखो नहीं जा रही, नहीं जा रही भाई। देखिए देखो, मैं यहाँ से बटन दबा रहा हूँ और एक कच करके कुछ आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसमें ना सेंसर लगे होते हैं, जैसे कोई हाथ आ जाए तो ये अपने आप पीछे चले जाए। तो इसमें क्या एरर आते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ डिटेक्ट करता है कि इसको लगता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तुरंत पीछे की तरफ चला जाता है। ये देखो, अभी जैसे अपने कोई बंद करना है तो हम कैसे करें अब बंद, अब खुद बताइए। ऐसे तो हम ठंड में मर जाएंगे। और इसी ना अभी हुआ है, पहले बंद तो हो रही थी भाई, देखिए अब बंद हो रही है। और स्पीड देखिए आप इसकी मोटर की, ये देखो भाई नई टेक्नोलॉजी है हुंडई क्रेटा की में पहली बार आई है। तो पैनोरामिक सनरूफ के ये भी आप देख लो भाई कि इसमें क्या क्या आपको एरर्स मिल जाते हैं। अभी हम देखिए, अगर आप कहें कि गाड़ी स्टार्ट नहीं है, गाड़ी स्टार्ट हो क्यों होगी, तो देखिए मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और भाई नहीं हो रही, स्नोफॉल भी पड़ रही है, हम कैसे करेंगे। अभी देखिए बाहर से देखिए, अभी बंद हो रही है और ये स्पीड देखो भाई धीरे धीरे, जब ये नई नई थी तब इसमें ये शिकायत नहीं थी। अभी देखिए हाँ हो गई बंद प्रॉपरली। अभी अगर जैसे अपने कोई खोलनी है तो एक मिनट खोलना, एक मिनट दबाओ बटन, बटन दबाओ ना। देखो पहले उठी और बहुत स्लो स्लो जा रही, देखिए और इसमें आवाज़ भी आ रही है। अभी ये जो ऑनर है उन्होंने सर्विस सेंटर पे भी इसको दिखाया, लेकिन वो लोग इसको रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो ट्रेंड बंदे इसको रिलेटेड इसको लेके बहुत कम है। देखिए आवाज़ सुनिए, देखिए देखिए। तो पैनोरामिक सनरूफ के नुकसान भी आपके सामने हैं, ये नुकसान आपको पैनोरामिक सनरूफ के मिल जाते हैं अगर आप एक ऐसी कार खरीदते। देखिए यहाँ से कहीं आवाज़ आ रही है जहाँ इसकी मोटर है, और यहाँ से भी आवाज़ आ रही है। तो हमने ऐसा भी नहीं कि भाई ज़्यादा बार इसको खोला बंद कराओ, ऐसा भी नहीं है, कम ही खुलती है। लेकिन फिर भी ये देख सकते हैं आप, मतलब बहुत जोर पड़ रहा है इसकी मोटर पे। ये इसके ओनर हैं, तो आपने कैसे सर्विस सेंटर पे दिखाया था, तो वो लोग क्या करा उन लोगों ने भाई? उन्होंने कुछ नहीं करा, जो अपने आप वापस जाने वाली प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ तो उन्होंने ठीक कर दी, लेकिन मोटर पे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है तो वो ठीक नहीं कर पाए। बार बार करते हैं तो इसमें धुआं तक निकलने लगी थी पहले तो। अच्छा, वो लोग नहीं कर पाए ना सही, देखते हैं जब मोटर जल जाएगी जब भी मेरे ख्याल से सही करके देंगे। तो पूरी खोलनी पड़ेगी ना फिर, तो पूरी पूरी कार खोलेंगे वो लोग। कार नहीं, यहाँ से वो खुलता नहीं। हाँ, से जा बैठा ना वहाँ से। तो इस तरीके से भाई पैनोरामिक सनरूफ की प्रॉब्लम्स आ चुकी है। अच्छा, आपने कोई छेड़छाड़ करी थी इसके साथ नेचुरली अपने आप? छेड़छाड़ कुछ नहीं करी, कई दिनों से बस खोली नहीं थी। जब खोली तो फिर ये प्रॉब्लम आई। अच्छा, एक बार ये और शिकायत हो गई थी ना कि बैटरी लो हो गई थी, उसके बाद रिसेट करना पड़ता है, उसके बाद से प्रॉब्लम बनी है ये? नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं हुई थी, लेकिन ये उसके बाद हुई। वो एक बार बता दी थी इसकी ना बैटरी लो हो गई थी गाने सुनते सुनते। तो इसमें क्या सीन, अगर आप बैटरी तार हटा देते तो पैनोरामिक सनरूफ आपको रिसेट करनी पड़ती है, उस बटन को 7 या 8 बार दबाना पड़ता है ऐसे करके कुछ 10 सेकंड तक आगे दबा के रखना पड़ता है, तब ये रिसेट हो जाती है, फिर खुलने बंद होने लग जाती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम बनी है। अभी आप देख लो भाई पैनोरामिक सनरूफ के ये भी नुकसान आपको मिल जाता है। ये एक ऑनर की गाड़ी में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि केवल इसी पीस में हो बाकी सब ठीक हो, लेकिन एक में है तो भाई 17 लाख तो इन्होंने भी खर्च करे हैं। तो इस बात को हिंडई को समझना चाहिए और ट्रेंड बंदे कम से कम रखने चाहिए जो इसको एक बारी में रिजॉल्व कर पाए, क्योंकि बंदा बार बार चक्कर नहीं लगेगा सर्विस सेंटर के।
और इसके बारे में डिटेल अगर आपको जाननी है कि भाई कब सही होगी और कैसे सही होगी, तो भाई पूरी डिटेल इसके बारे में देंगे, मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो भाई को जरूर फॉलो करें जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी क्रेटा में क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और गाड़ी अपने हाथ से अब जा चुकी है।